सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऑनलाइन बैंकिंग चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने तवील अखलाजी बैंक का मोबाइल बैंकिंग का यूजर आईडी भूल जाते हैं तो उसको किसे रिसेट करते हैं या बोले तो उसको नया किसे बनाते हैं, आज इसी वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगर मैं आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड का ऑप्शन रहता है पर यूजर आईडी का ऑप्शन वहाँ नहीं रहता है, और मैंने बहुत भी ट्राई किया कि उसका यूजर आईडी पासवर्ड को रिसेट करे यूजर आईडी को, फिर भी वो ऑप्शन नहीं दिखा। तो मैंने कस्टमर केयर से संपर्क किया और उनसे जानकारी लिए तो बोले कि आप अपने नज़दीकी में कहीं भी आपके नज़दीकी में तवील अखलाजी बैंक दिखता है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे जाना है और डेबिट कार्ड और हकामा दे देना है और उनसे बस यही बोलना है कि आप हमारे डेबिट कार्ड को बस रिसीट कर दीजिए। वो आपके डेबिट कार्ड लेंगे और रिसीट कर देंगे, बस आपका एक भी रियल चार्ज नहीं लगेगा और आपको रिसीट कर लेना है और फिर आपको अपने रूम पे आना है और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे आप इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन किए थे सेम प्रोसेस कर लीजिएगा, मगर ये यूजर आईडी बनाते समय आपको कुछ कैपिटल लेटर कुछ स्मॉल लेटर और नंबरों में रहना चाहिए और उसमें बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, यूजर आईडी देते समय बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और पासवर्ड भी वैसे क्रिएट कीजिएगा जो कुछ कैपिटल लेटर में कुछ स्मॉल लेटर में और कुछ नंबरों में, जो कि पूरा मिला के पासवर्ड को 8 तक होना चाहिए, 8 करेक्टर तक होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर मैं आप यूजर आईडी भूल गए हैं तो आपको ब्रांच जाना होगा। ये नहीं है कि आप अगर मैं आप दमाम में हैं और रियाज में आए हुए हैं तो आप यहाँ भी जाके कुछ भी करा सकते हैं, बस आपको तवील अखलाजी देखना है और जाके करा सकते हैं। तो हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसी वीडियो देखने।